अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हो नॉलेज अरीना। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर एक फुल कंपैरिजन लेकर आए हैं टेक्नो कैमन 12 ईयर का इन्फिनिक्स S5 लाइट के साथ। और यहाँ पर दोनों ब्रांड के अंदर ज़बरदस्ती टक्कर सी है। जहाँ पर टेक्नो कैमन 12 ईयर एक अच्छी प्राइस के साथ मौजूद था और वहीं पर इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स S5 की सीरीज़ को लॉन्च किया और यहाँ पर इन्फिनिक्स S5 लाइट भी दे दिया गया है। बात करेंगे टेक्नो कैमन 12 ईयर की, तो इस फोन की जो प्राइस है वो है 19,499 रुपीज़ और यहाँ पर S5 लाइट की जो प्राइस है वो है 21,000 रुपीज़। तो मैं करूँगा इन दोनों फ़ोनों का फुल कंपेरिजन, स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा परफॉर्मेंस देखेंगे, एंटूटू बेंचमार्क गीकबेंच स्कोर पर नज़र डालेंगे और कंप्लीट जो हम कंपैरिजन करते हैं वही सब कुछ होने वाला है। तो गाइस वीडियो करेंगे स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करके ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सी अपडेट्स वहाँ पर पहले आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट वर्सेस टेक्नो कैमन 12 ईयर का एक फुल कंपैरिजन। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों फ़ोनों की बिल्ड की और डिज़ाइन की। तो यहाँ पर ये फ़ोन मेरे पास मौजूद है बे ब्लू कलर में और यहाँ पर भी एक ये ब्लू कलर वाला S5 लाइट है। तो बैक इन दोनों फ़ोनों की ऑलमोस्ट सेम सी है। यहाँ पर ट्रिपल कैमराज दिए गए हैं, यहाँ पर भी ट्रिपल कैमराज हैं और यहाँ पर जो LED फ्लैश है वो इस शेप में है और यहाँ पर जो LED फ्लैश है वो इस शेप में है। इस तरफ है फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही फ़ोनों में। यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैमॉन और यहाँ पर टेक्नो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है S। साइड्स की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ दोनों ही फ़ोनों के अंदर है वॉल्यूम रॉकर्स, नीचे की तरफ है पावर की और यहाँ पर कोई टेक्सचर नहीं दिया गया टेक्नो कैमन 12 ईयर में, जबकि इस तरफ टेक्सचर दिया गया है। इस हिस्से की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सा है सब कुछ। सबसे पहले 3.5 ऑडियो एमएम जैक है, उसके बराबर में है माइक, फिर चार्जिंग जैक है, फिर स्पीकर ग्रिल। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम 3.5 ऑडियो एमएम जैक, उसके बराबर में माइक, चार्जिंग जैक, स्पीकर ग्रिल। इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलने वाली है एक सिम ट्रे, जहाँ पर आप दो सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और ऊपर के हिस्से पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, नो नॉइस कैंसिलेशन माइक। वेल गाइस, बात करेंगे इन दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले की। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, मुझे जो ज़्यादा कलर ब्राइट नज़र आ रहे हैं वो S5 लाइट के नज़र आ रहे हैं, जबकि टेक्नो कैमन 12 के जो कलर हैं स्क्रीन के वो थोड़े से डल से हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो S5 लाइट के जो कलर हैं वो शार्प हैं। तो बात करेंगे इन दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले की। S5 लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है 6.6 इंच का एक पंच होल डिस्प्ले, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720x1600, स्क्रीन डेंसिटी है 266 PPI। और इसी तरीके से बात करेंगे टेक्नो कैमन 12 ईयर की, तो यहाँ पर मिलने वाला है 6.33 इंच का एक पंच होल डिस्प्ले, यहाँ पर है कैमरा इन दोनों फ़ोनों में, यहाँ पर इसमें भी यहीं पर ही है यार कैमरा। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 720x1520 पिक्सल, स्क्रीन डेंसिटी है 257 PPI। तो यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं वो बेटर हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट के। तो यहाँ पर अब हम एक वीडियो को प्ले करेंगे दोनों ही फ़ोन में, YouTube को प्ले करेंगे और वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस फ़ोन का साउंड बेटर है और किस फ़ोन के जो कलर क्वालिटी है वीडियो में वो कैसी आती है। तो हम यहाँ पर अपनी ही कोई वीडियो प्ले कर देते हैं। मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हो नॉलेज अरीना। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं किस चीज की, ये आ गया हमारा बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के न्यूली लॉन्च फोन वीवो Y19 की, जिसे ऑफिशियल कर दिया गया है पाकिस्तान में कल। इस फोन की जो प्राइस है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। गाइज, बात करेंगे S5 लाइट के कलर्स की। जो वीडियो मैंने अभी प्ले की है तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, खिलते हुए कलर आते हैं। और वीडियो में भी आपने देखा होगा कि वीडियो जब प्ले हुई तो कलर्स क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी और उसके साथ साथ इस फ़ोन का जो साउंड है वो भी बेहतर है। इसी तरीके से टेक्नो कैमन 12 ईयर में भी हम एक वीडियो प्ले करते हैं और यहाँ पर भी हम अपनी ही वीडियो प्ले करेंगे जो आपने अभी देखी है। स्पेसिफिकेशन पर तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बैक पर ट्रिपल रियर कैमराज, जिसमें पहला कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा है मैक्रो लेंस, मैक्रो कैमरा लगाया गया है फ्रंट के ऊपर है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, 6.53 इंच की FHD+ स्क्रीन है। उसके साथ यहाँ पर
तो गाइज टेक्नो कैमन 12 ईयर की भी जो कलर क्वालिटी है वीडियो में वो भी बहुत अच्छी है, और इन दोनों फ़ोनों की जो कलर क्वालिटी है वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अब मैं बात करता हूँ साउंड की, तो S5 Lite से ज़्यादा तेज़ साउंड है टेक्नो कैमन 12 ईयर का। और गाइज अब हम बात करेंगे इन दोनों फ़ोनों के हार्डवेयर्स की, तो टेक्नो कैमन 12 ईयर के अंदर भी मौजूद है MediaTek की हीलियो P22 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और यहाँ पर जो GPU लगाया गया है वो है PowerVR GE8320। इसी तरीके से Infinix S5 Lite की बात करें तो यहाँ पर भी है MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और यहाँ पर भी सेम GPU है। इन दोनों ही फ़ोनों के अंदर हमको मिलने वाली है फुल डुअल सिम सपोर्ट, आप दो सिम और एक अदद मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन दोनों फ़ोनों के AnTuTu बेंचमार्क और Geekbench के स्कोर, और वहां पर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों फोनों में। तो क्लिक करते हैं AnTuTu बेंचमार्क पर, फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हो कि S5 Lite का जो स्कोर है वो ज्यादा है टेक्नो कैमन 12 ईयर से। यहां पर जो स्कोर है 94,243 का, और टेक्नो कैमन 12 ईयर का जो स्कोर है वो है 91,947 का। तो यहां पर विन करता है Infinix का S5 Lite। और अब Geekbench में देखते हैं कि वहां पर क्या स्कोर आते हैं दोनों फोन्स के। तो यहां पर आप देख सकते हैं Geekbench स्कोर, यहां पर Tecno Camon 12 Wear आगे रहा सिंगल कोर स्कोर में, और बहुत ही थोड़े से फर्क के साथ Infinix S5 Lite आगे रहा मल्टी कोर स्कोर में। तो यहां पर सेम प्रोसेसर है, सेम रेम रोम है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब दोनों ही फ़ोनों में यहाँ पर हम बैकग्राउंड एप्लीकेशन को किल कर देते हैं, और साइड बाय साइड कुछ एप्लीकेशन है उन पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस फ़ोन की परफॉर्मेंस है बेटर। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मैसेजेस पर, यहाँ पर S5 Lite में ये एप्लीकेशन पहले ओपन हुई है। फिर क्लिक करते हैं कैमरा पर, टेक्नो कैमन 12 ईयर में ये पहले ओपन हुई है। और अब क्लिक करते हैं हम सेटिंग पर, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पर। और अब क्लिक करते हैं फेसबुक पर, गाइस यहां पर आप देख सकते हो टेक्नो कैमन 12 ईयर में ये पहले एप्लीकेशन लोड हुई है और S5 Lite में पीछे। और अब हम क्लिक करते हैं स्नैपचैट पर, टेक्नो कैमन 12 ईयर में पहले लोड हुई है। और अब क्लिक करते हैं टेम्पल रन पे, यार ये पहले ही क्लिक हो गया तो अब हम टेम्पल रन पे क्लिक नहीं करते हैं, अब हम क्लिक करते हैं स्मैश इट पे। टेक्नो कैमन 12 ईयर के अंदर ये एप्लीकेशन पहले लोड हुई है। अब तो सबवे सर्वर पर क्लिक करते हैं, और गाइस यहां पर भी आप देख सकते हो कि टेक्नो कैमन 12 ईयर के अंदर यहां पर ये अटक गया है, और यहां पर ये थोड़ा सा अटक गया है, और ये आई डोंट नो क्यों एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है। गाइस फोन यहां पर हैंग हो गया आपके सामने, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी टेस्ट बनाते हुए फोन हैंग हुआ हो। तो ये आप देख सकते हो, तो नाउ अब ये सही हो गया है, तो अब हम वापस रख देते हैं इसको यहां पे। तो अब मैं क्लिक करता हूं कलर स्विच पर, देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन पहले लोड होगी। ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हुई हैं। तो गाइज स्पीड टेस्ट में आपने देखा कि दोनों ही फ़ोन तकरीबन सेम टाइम पर एप्लीकेशन लोड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो तेज़ी दिखाई है वो टेक्नो कैमन 12 ईयर ने दिखाई है। और गाइज अब हम बात करेंगे इन दोनों फ़ोनों के कैमरास की,
सबसे पहले टेक्नो कैमन 12 ईयर के कैमराज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें पहला कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। इसी के साथ फ्रंट पर लगाया गया है 8 मेगापिक्सल का ये सेल्फी कैमरा। S5 Lite की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसके बराबर में 2 मेगापिक्सल का और फिर है QVGA कैमरा, और फ्रंट पर मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। तो इन दोनों फ़ोनों से हम कैप्चर करते हैं कुछ फ्रंट से पिक्चर्स, फ्रंट कैमरे से और कुछ बैक कैमरे से, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो गाइज आपको पता है मैं क्या कहता हूं, मैं यूं गया और मैं यूं आया। गाइज इन दोनों फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरे से ली गई पिक्चर्स आपने देख ली होंगी। और टेक्नो कैमन 12 ईयर की बात करूं तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि टेक्नो कैमन 12 ईयर का जो बैक कैमरा है वो बेटर परफॉर्म करता है डे लाइट के अंदर, और इस फ़ोन की जो फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस है वो मुझे एवरेज सी लगती है। तो यहाँ पर इस प्राइस बजट के अंदर एक एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिलेगी कैमन 12 ईयर की तरफ से। लेकिन S5 की अगर मैं बात करूँ तो एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 12 ईयर, S5 के जो कैमराज हैं वो मुझे बेटर लगे हैं। S5 के फ्रंट कैमरे की जो पिक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, शार्प इमेजेस हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। बैक कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इमेज आते हैं वो एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 12 ईयर थोड़े से बेटर हैं। बात करेंगे इन दोनों फ़ोनों की बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर मिलती है हमें 4000 मिली एम पावर की बड़ी बैटरी। फास्ट चार्जिंग की सहूलत आपको नहीं मिलती और ऑलमोस्ट 2.25 घंटे में आप ये दोनों फ़ोनों को चार्ज कर सकेंगे। तो गाइज ये था इन दोनों फ़ोनों का एक कंपेरिजन, जहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए कुछ डिटेल्स। मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली टेक्नो कैमन 12 ईयर पसंद है, क्योंकि इसका जो लुक है बैक से वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सा है और अब लोग इसी तरीके के स्टाइलिश फ़ोन पसंद करते हैं। इन्फिनिक्स S5 Lite की अगर मैं बात करूं तो इस फ़ोन का जो लुक है कुछ कुछ S4 की तरह है, तो थोड़ा सा ये डिज़ाइन पुराना हो गया है। तो अगर आप लुक वाला फ़ोन चाहते हैं तो टेक्नो कैमन 12 ईयर और S5 Lite कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों फ़ोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ, लेकिन कंपनी नेम चेंज है। तो गाइस यहाँ पर करेंगे हम इस वीडियो को एंड। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो गाइस मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अलॉट फी अमानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।